Hello students, this is your financial management class and today we are going to discuss the yet another technique of capital budgeting, that is the net terminal value. Now what is net terminal value? Net terminal value is also known as NTV, that is net, N stand for net, T stands for terminal and V stand for value. So this method, that is the net terminal value method, is an improvement, right? So we can say that this method is better than the NPV method, because this method, that is the net terminal value, is an improvement over the NPV method of capital budgeting technique. Previous lecture mein maine aapko bataya tha what is net present value method, aur ye jo method jo hai net terminal value method, this is a better capital budgeting technique than the net present value method. तो net present value method जो है कुछ चीजें skip करता है जो net present value जो है उसको consider करता है to calculate the value of the project, right? So in this method, what we do is we assume or we hypothesize that each of the cash inflows, right, each of the cash inflows or cash flows of the future, or each of the cash inflows is immediately invested in the another project. For example, आपके पास 15,000 रुपीज है आपकी initial investment, आपने कोई project खरीदा जो 15,000 का है, आपने उसको 4 या 3 years के लिए आपने उसको invest किया, राइट? तो 3 years के लिए इन्वेस्ट किया आपने 15,000, तो फर्स्ट ईयर में आपको रिटर्न मिला 15,000 का, मे बी 6,000. फर्स्ट ईयर में आपको कितना रिटर्न मिला? 6,000. देन नेक्स्ट ईयर में आपको फिर से रिटर्न मिला, दैट इज मे बी 9,000. एंड फोर्थ ईयर में आपको मिला मे बी 10,000, राइट? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या करता था, वो सिंपली हर एक साल की नेट प्रेजेंट वैल्यू टोटल में अकेले कैलकुलेट करके उसका टोटल करके देन इट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. बट नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड क्या बोलता है, वो करता है कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फर्स्ट ईयर में उसको 6,000 रिटर्न आया और सेकेंड थाउजेंड में उसको मे बी 9,000 रिटर्न आया, तो वो क्या कह रहे हैं, तो नेट टर्मिनल मेथड क्या बोलता है कि वो जो उसको 6,000 रिटर्न आया था फर्स्ट ईयर में, वो उस पैसे को आइडली तो अपने बिजनेस में नहीं रखेगा कि ऐसे ही रख दिया उसने अपने पास. जब आपको कोई इंस्टॉलमेंट आती है, आपने किसी को लोन दिया था 15,000 रुपीज, फर्स्ट ईयर में उसने 6,000 आपको वापस किया, सेकेंड ईयर में उसने आपको 9,000 वापस किया, थर्ड ईयर में उसने आपको 10,000 वापस किया, राइट? वो जो अमाउंट 15,000 से ज्यादा आ रही है वो आपने में भी इंटरेस्ट चार्ज किया, और 6, 9, 10 आपको ये इंस्टॉलमेंट पे की. तो नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि वो जो फर्स्ट ईयर में 6,000 इंस्टॉलमेंट पे की होगी, वो आपने ऐसे ही तो नहीं अंदर रख ली होगी, वो आपने 6,000 रुपीज कहीं और इन्वेस्ट किया होगा. तो वो जो 6,000 आपने कहीं और इन्वेस्ट किया है उससे भी आपको रिटर्न आएगा. तो नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड जो है, जो आप अमाउंट री इन्वेस्ट करते हो कहीं और, वो उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करता है. सेकेंड मंथ में फिर आपको रिटर्न मिला 9,000, तो 9,000 जो है वो भी आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, राइट? जो 6,000 है वो आपका कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा सेकेंड ईयर में? 2 साल के लिए, राइट? जो आपका 9,000 है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो? 1 साल में, क्योंकि लास्ट ईयर, क्योंकि 3 ही साल का प्रोजेक्ट है, तो थर्ड ईयर में तो आपको फुल फ्लेज अमाउंट मिल जाएगी. तो नेट टर्मिनल वैल्यू जो है वो आपकी री इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है उसको भी कैलकुलेट करता है, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नहीं करता है. इसीलिए नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनपीवी मेथड, राइट? इन अदर वर्ड्स दैट द कैश फ्लोज एंड आउटलेस, जो हमारे कैश इनफ्लोज आ रहे हैं हर साल, जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, और जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, दे आर ऑल कंपाउंडेड
फॉरवर्ड, इसमें हम फॉरवर्ड की सोचते हैं कि वो आगे भी री इन्वेस्ट होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जस्ट कंपाउंडेड फॉरवर्ड रादर देन डिस्काउंटिंग देम बैकवर्ड. एनपीवी में क्या करते थे हम, मनी की वैल्यू डिस्काउंट करते थे. तो ये क्या बोल रहा है कि इट सेज दैट दैट कैश फ्लोज एंड आउटलेज आर कंपाउंडेड फॉरवर्ड एंड रादर देन डिस्काउंटिंग देम बैकवर्ड एज वी डू इन द एनपीवी मेथड, राइट. सो नाउ हाउ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. We accept the project if the present value of the total of the compounded reinvested. हम कब project को accept करते हैं, जब present value of the total compounded reinvested, जो आपने money, आपको एक तो project से जो return आ रहा है वो, plus वो जो आपके आप reinvest करके आपको और ज्यादा return आ रहा है, additional return आ रहा है, उन सबका total अगर is greater than the present value of the cash outlay. अगर आपका जो return है वो compounded return जो आपने reinvest किया है वो return add करके अगर आपका वो ज़्यादा आ रहा है किससे, जो आपने initial investment की है project में, in that case you should accept the project. तो आपके अगर compounded value जो है cash inflow की, reinvested cash inflow की, that is greater than the initial cash outlay, you should accept the project, otherwise we reject the project. That means if the compounded reinvestment return of cash flow is less than the initial investment in the project, we should reject the project. So this is net terminal value method. So it is better technique because it also take into consideration the return which we get by reinvesting the cash flows, right. Now let's study the net terminal value method with the help of an example. इससे आपको और भी ज्यादा clear हो जाएगा कि how to calculate the net terminal value of an project. So the question is, says the initial outlay is 20,000 रुपीज. सो इनिशियली जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपीज. लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने साल का प्रोजेक्ट है, इट इज फॉर द 4 इयर्स. कैश इनफ्लोज, सो कैश इनफ्लोज कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज फॉर 4 इयर्स. दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इवन कैश फ्लो, कि हर साल कितना रिटर्न आ रहा है, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, 10,000 रुपए. देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है हमारा, दैट इज 12%. 12% इज द रेट ऑफ रिटर्न, टोटल कॉस्ट ऑफ और रेट ऑफ रिटर्न वी कैन से. देन वी हैव एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट एट विच कैश इनफ्लोज विल बी री इन्वेस्टेड. तो मैंने अभी आपको बताया कि नेट टर्मिनल वैल्यू जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द री इन्वेस्टेड कैश इनफ्लोज जो है वो भी कैलकुलेट करके फिर एक्चुअल प्रोजेक्ट की वैल्यू बताता है और हमें डिसाइड करते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट. तो अगर हम इसी अमाउंट को जो हमें कैश इनफ्लो हो रहा है हम उसको री इन्वेस्ट करें, तब हमारा क्या फर्स्ट ईयर में 7% रिटर्न आएगा, सेकेंड ईयर में भी 7% रिटर्न आता है अगर हम कोई री इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी को, थर्ड ईयर में 9% एंड फोर्थ ईयर में अगेन 9%. तो ये हमारी क्या है, री इन्वेस्टेड हर्डल रेट और री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट रेट. अगर हम वो हमारे जो कैश इनफ्लो होगा हर साल 10,000 उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं तब. सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. अब हमें बताना है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए by using the terminal value method. So in the first column we will write the year, kitne saal ka project hai, 4 years, so we have written 1 2 3 4. Then we have cash inflows, to har saal hame yahan diya hua hai question mein ki har saal hame kitna cash inflow ho raha hai, 10,000 rupees, to har saal 10,000 rupees aa gaya. Then rate of interest, to har saal agar hum reinvest karte hain तो हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग
in the first year 7%, again 7% in the second year. In the third year we will get 9%, and in the fourth year we will get the 9%. So this is the rate of interest of the reinvested cash inflow. Now years of investment. अब जो हमने ये जो reinvest किया है उसके years calculate करने हैं. अब जब हमें first year में cash inflow मिला होगा, ये हमें cash inflow कब मिलता है? At the end of the year. अब ये जो 10,000 रुपए है ये हम कितनी देर के लिए invest कर सकते हैं? ये तो हमें end of the year मिला, right? That means कितने years बच गए पीछे? 3 years. तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट 4 साल में खत्म नहीं होता, ये जो हमें 10,000 फर्स्ट ईयर में मिला है, ये 10,000 हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 7%. इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, क्योंकि ये जो 10,000 जो हमें फर्स्ट ईयर में मिलेगा वो हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता है. सिमिलरली जो सेकेंड अमाउंट है वो हम कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? वी कैन इन्वेस्ट इट फॉर 2 ईयर्स, राइट? ये हमारे 2 सालों के लिए इन्वेस्ट हो सकता है, दैट इज इन बिकॉज ये हमें सेकेंड ईयर के एंड में मिल रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा, दैट्स वाई वी हैव रिटन 2 हियर. देन इन द थर्ड ईयर अगेन वी विल गेट द 10,000, एंड दिस 10,000 कैन बी इन्वेस्टेड फॉर ओनली 1 ईयर, दैट इज फॉर इन द फोर्थ ईयर, राइट? एंड इन द फिफ्थ In the fourth year again we are getting 10,000 of cash inflow and we will invest it at 9%. तो ये तो हमारा 0 years के लिए invest होगा, क्योंकि इसके बाद तो हमारा project जो है it will end. So that this is how we have to calculate the years of investment. Now compounding factor. ये जो compounding factor है ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये भी book की end में compounding factor table होगा, वहां से आपको पता चलेगा कि 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 3 सालों के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कंपाउंडिंग रेट कितना होगा? वो होगा 1.225. ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा. अगर 7% पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब कितना होगा? 9% पे 1 ईयर के लिए करते हैं तब कितना होगा? ये वैसे ही आपको देखना हो जैसे आप लॉग देखते हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वे में. 7% आपको दिया होगा, यहाँ रेट्स दिए होंगे वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में आपको ईयर्स मेंशन किए होंगे, तो आपको देखना है, कॉलम ढूंढना है कि 7% पे 3% 7% में 3 सालों के लिए करते हैं तो कितना रेट होगा आपका. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंडेड वैल्यू यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई द कैश इनफ्लो that is 10,000 into 1.225. The value which you get is 12,250. Again, 10,000 into 1.145, the value which you get is 11,450. In the third year, the value multiply 10,000 with 1.090, the value which you get is 10,900. And in the fourth year, 10,000 into 1, that is 10,000, and this is the total compounded value. जब आप इनका total करोगे, you will get the total compounded value, right? Then the present value of the total compounded value reinvested, right? अब हमें present value calculate करनी है जो हमारे पास total compounded value आई है. तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1+k रेस टू पावर 4. 1+k रेस टू पावर 4. सो दिस इज द वैल्यू और दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल कंपाउंडेड री इन्वेस्टेड कैश inflow, that is compounded value of cash inflows divided by 1+k raised to power 4. So total kitna aaya tha hamara compounded value ka? 44600. Then 1 aur ye hamara kya aa gaya? 1+k 1+0.12.
ये जो के है दैट इज दी के रिप्रेजेंट दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमने पीछे क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, के इज दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कितना हुआ, कितना दिया हुआ था, दैट वॉज 12%, क्वेश्चन में आपको कितना दिया था, 12% आपको मेंशन था आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 0.12 रेस टू पावर 4, जब आप इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट इज 44600 इंटू, और ये जो वैल्यू है आपको 0.60 दैट इज अगर आप 4 साल के लिए 12% पे इन्वेस्ट करते हो तो ये भी आपको वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल में ही मिलेगी, द वैल्यू विच यू गेट इज 28366, सो वी विल वी कैन सी दैट दी एट द प्रेजेंट द कंपाउंडेड री इन्वेस्टेड कैश फ्लो इज ग्रेटर देन द इनिशियल कैश फ्लो, हमने इनिशियली कितने का प्रोजेक्ट लिया था, 20,000 का, राइट, इनिशियल कैश आउटले कितना था हमारा 20,000, और हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 28366, अगर हम 20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट विच विल गेट आफ्टर 4 ईयर्स इज 2836, दैट मीन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सो वी शुड एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट, अगर नेगेटिव होती, अगर हमारा कंपाउंड टोटल कंपाउंडेड री इन्वेस्टेड कैश फ्लो कम होता हमारे इनिशियल आउटले से, तो हमने रिजेक्ट कर देना था प्रोजेक्ट, बट हमारे केस में पॉजिटिव आ रही है सो वी विल एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट, सो दिस वॉज योर नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड, थैंक यू स्टूडेंट्स।